हेलो गाइस, वेलकम बैक टू युगंधराज क्रिएटिविटी। आज हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब। ये बच्चों से लेके बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। ये बाहर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही मुंह में घुल जाने वाला स्वाद है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट्स भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ब्लांच कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा पालक की पेस्ट का कलर एंड तक हरा रहेगा। और उसके बाद में हम एक मिक्सी में 1 बाउल मटर डालेंगे। ये मटर मैंने थोड़े से ब्लांच कर लिए थे पानी में, और उसमें डालेंगे ब्लांच की हुई पालक और उसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे पुदीना के कुछ पत्ते, मिंट लीव्स, उसके बाद डालेंगे फ्रेश धनिया थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। पेस्ट तो हमारी बन जाएंगी, तब तक हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। हम ऑयल में तो कुकिंग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम बटर ही डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा भी भुन गया है। फिर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1। इसको बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा ब्राउन होने नहीं देना है हमें। फिर इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। अदरक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, अदरक से बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है कबाब को। अब ये अच्छे से भून गया है, हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है ना, बस इतना ही। अब हमें इसमें डालना है हमारी पेस्ट जो हमने मिक्सी में पीस ली थी। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक इसका मॉइस्चर लेवल कम नहीं हो जाता, तब तक, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। लगभग 5 to 7 मिनट्स के बाद ये अच्छे से पक जाएंगी। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला। आप इसमें कोई भी घर का गरम मसाला ऐड कर सकते हो। फिर हम डालेंगे 2 टीस्पून जीरा पाउडर, फिर 2 टीस्पून चाट मसाला और सॉल्ट टू टेस्ट और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले आपस में अच्छे से मिल जाने चाहिए। बस अभी 5 मिनट्स हो गए हैं, 5 मिनट्स मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम लेंगे एक बाउल, उसमें मैं डालूंगी 2 बटाटे बॉईल किए हुए। ज़्यादा गर्म बटाटे इसमें नहीं लेने हैं, ठंडे होने के बाद ही यूज़ करने हैं। ग्रेट किया हुआ है मैंने बटाटे, और इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। बस हम अभी इसे अच्छे से स्मैश करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आप हाथ से भी अच्छे से इन सब मसालों को मिला सकते हो। ये सब मसाले इसमें अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये ठंडा किया हुआ पालक और मटर की पेस्ट। ये पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने अराउंड सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसका, क्योंकि ये जो ओरिजिनल जो टेस्ट है मटर और पालक की वही निकल जाएगी। हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। अब ये हरा तो बन गया है, जैसे हमारे स्टार्टर का नाम है हरा भरा कबाब, तो ये हरा तो बन ही गया है। अब हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा भरा। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, और एक बाउल में मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ काजू। आप देख सकते हैं बस ऐसे छोटे छोटे उसको टुकड़े करने हैं। बारीक कटा हुआ किशमिश,
1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। थोड़ा सा इसे चटपटा बनाना है तो हमें इसमें चाट मसाला वगैरह सब डाल दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। बस अब हम इसमें साइड में रख देंगे। अब हमने जो डो रेडी करके रखा था वो लेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और डो से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। बस इसको थोड़ा सा राउंड राउंड करेंगे, अच्छे से एक छोटू सा लड्डू के शेप का जो है वो बनाएंगे। बस इसे अब धीरे से एक छोटी सी कटोरी बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही मैं जैसे बता रही हूँ। और उसमें डाल लूँगी मैं 1 टीस्पून ये हमारी स्टफिंग जो मैंने भरा उसको कहा है, इसको अच्छे से भर देंगे और अच्छे से पैक कर देंगे और उसको एक अच्छे से छोटू सा लड्डू बना देंगे। ऑब्वियसली हम लड्डू नहीं बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं तो हम ये लड्डू बनाने के बाद उसको एक छोटू सा कबाब का शेप देंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि हम पहले आँखों से खाते हैं ना, तो हम अच्छे से कबाब का शेप देंगे ताकि वो खाने में भी बहुत अच्छे से मज़ा आ जाए। अब ये रेडी है और ऊपर से मैं लगाऊंगी हाफ काजू का टुकड़ा ताकि ये दिखने में भी बहुत रिच दिखे। और मैंने एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है नीचे में, उस पर रख दूंगी। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब बनके रेडी कर दूंगी। अब हम इसे करना है शैलो फ्राई, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा डालूंगी बटर। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा है आपको कि हम ऑयल में कुकिंग करेंगे और बटर से फ्लेवर लाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी हमारे जो कबाब रेडी है उसको मैं धीरे धीरे एक एक करके इस पैन में डालूंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जब हम कबाब को ऑयल में डालते हैं तब हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है और फिर पूरे डाल देने के बाद हम गैस की फ्लेम को पूरी तरह से स्लो कर देंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक होने चाहिए। अब हमें ये अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से पकाना है, फिर बाद में इसको टर्न करना है। अगर आपको ये शैलो फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपको ये अगर और हेल्दी बनाना हो तो ऊपर से बटर लगा के आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हो। वाओ, आप देख सकते हो इसका कलर, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो इसका जो ओरिजिनल ग्रीन कलर है वो ही चला जाएगा। बस अब हम दूसरी साइड से भी 2 or 3 मिनट्स के लिए अच्छे से पका लेंगे, हाँ या फिर लो फ्लेम रखते ही हमें इसे अच्छे से कुक करना है। वाओ, अब ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको अब टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं, ये हमारे काजू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। वाओ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ चुका है, डिलीशियस। अब मैं ये सर्विंग प्लेट पर निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है, लेकिन अगर आपको हरी चटनी के साथ खाना है तो हरी चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर ये कबाब ऑलरेडी इतने टेस्टी है कि आपको किसी भी चटनी या केचप की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मॉइस्ट। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।